आज की वीडियो में आपको ये दिखाऊंगी किस तरह से आप अपने बालों को जब भी वीक में 3 बार वैसे वॉश करना चाहिए, जब भी आप वॉश करते हैं आफ्टर वॉश बालों की केयर में क्या करना चाहिए जिससे बाल सॉफ्ट रहें, ड्राई ना हो, हेयर फॉल ना हो और बाल सिल्की रहें। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, हमेशा बालों को धोने के बाद मैं यहाँ पर कॉटन का जो दुपट्टा है ना वो ले लेती हूँ और इस तरह से पूरा रैप कर लेती हूँ। अच्छा, तो इसके बाद में देखिए पूरा कॉटन का जो दुपट्टा है पूरा पानी से भीग चुका है, पूरा पानी जो था बालों में वो इसके ऊपर आ गया। आप इस तरह से टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं बट होना कॉटन का चाहिए। ठीक है, इसके बाद में बालों को अच्छे से थोड़ा सा और आप टॉवल से क्लीन कर लीजिए, साफ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो बाल देखिए काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं, है ना। और इसके बाद में इस तरह से क्लीन करने के बाद में अब आपको क्या करना है कि बालों को ड्राई ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग शैम्पू करते हैं तो उसके बाद में आपको ऐसा फील होता है कि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, तो आपको उस वक्त एक काम करना है। वो क्या काम करना है वो मैं आपको आगे अभी बताऊंगी, पहले मैं अपने बालों को क्लीन कर लूँ, साफ कर लूँ। ये देखिए मैं इसके बाद में फिर से क्लीन करती हूँ, ऐसे आपको रगड़ना नहीं है। कई बार लोग हैं ना टॉवल को लेकर दुपट्टे को लेकर बालों को इस तरह से रगड़ते हैं, उससे आपके बाल टूटते हैं, बीच बीच से डैमेज होते हैं और डैमेज होकर टूट जाते हैं और फिर आपको लगता है कि अरे हमारे तो बाल इतने झड़ गए। वो गलतियां आप ही करते हैं छोटी छोटी। अब मैं आपको वीडियोस जो दूंगी वो बेसिक बेसिक छोटी छोटी एक एक पॉइंट की वीडियो आएगी, तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना और ये चीज़ें फॉलो करना। आप ये जो मैं टिप्स बताती हूँ अगर ये भी फॉलो करने लग गए ना, है ना, ज़्यादा आपको DIY करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत नहीं हो रहा है तो मत करिए, लेकिन इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो कर लिया ना तो भी आपके बालों का झड़ना है वो रुक जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने अपने बालों को अच्छे से देखा, पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया और यहाँ पर मेरे एक भी बाल नहीं टूटा। जी हाँ, एक भी बाल नहीं निकला क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। अब यहाँ पर देखिए ना तो ब्लो ड्रायर यूज़ करना है, कोई भी हीट टूल्स यूज़ नहीं करना है, है ना, आपको सिंपल नेचुरल एयर में ही बालों को सुखाना है फैन में। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ऑयल, आपके पास में अगर चिश ब्यूटी ट्रिपल फास्ट हेयर ऑयल है, अगर आपने खरीद लिया है मेरा वाला ऑयल तो यही लीजिए, अगर ये नहीं है आपके पास तो आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी ऑयल ले सकते हैं 5 से 6 ड्रॉप। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़े से फीडबैक दिखा रही हूँ जो कि मेरे प्यारे प्यारे कस्टमर्स के हैं, जो कि ऑयल यूज़ करने के बाद में उन्हें अमेजिंग रिजल्ट मिला है, काफ़ी को सिर्फ एक एप्लीकेशन में रिजल्ट मिला है। ये चिश ब्यूटी ट्रिपल फास्ट हेयर ऑयल है जो कि पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में अब फैल चुका है, काफ़ी लोगों ने इसे ले लिया है और उनको रिजल्ट अमेजिंग मिले हैं। जिन्होंने स्टार्टिंग में लिया था ना उन्होंने तो अभी तक रीऑर्डर इसको 3 से 4 बार कर लिया है, अब वो इसे छोड़ना ही नहीं चाहते। इतना शानदार ऑयल आपके बालों की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे बाल झड़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, रीग्रोथ नहीं हो रही है, बालों में ड्राइनेस है, फ्रेजीनेस है, या बीच से टूट रहे हैं, डैमेज है, या फिर आपकी रूट्स इतनी वीक है कि आप बालों को थोड़ा सा पकड़ते हैं, धोते हैं, बालों में कंघा जैसे ही डालते हैं कि आपके बाल झड़ जाते हैं, है ना, तो कुछ भी प्रॉब्लम है हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल ऑयल है ये, मैंने खुद ने अपने हाथों से इस ऑयल को रेडी किया है, बनाया है और आपको इसके रिजल्ट भी सुपर फास्ट अमेजिंग ही मिलने वाले हैं। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं फीडबैक देखिए लोगों ने दिए हैं, इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए लिए थे 20 से काफी, देखिए जेंट्स लोगों को बाल्डनेस आज आ रहा है अभी आने वाले टाइम में, है ना, तो यहां पर इनके देखिए कितने बाल आ गए हैं। पहले की आप वीडियो देखिए फोटो उसमें आपको स्कैल्प काफी नजर आ रही है और सेकंड फोटो में देखिए इनके काफी बाल आ गए हैं, तो लोगों ने बहुत लोगों ने इसको यूज किया है और सब यूज कर सकते हैं, लेडीज जेंट्स सब लोग। यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं अगर आप लोग भी इस ऑयल को बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग भी इसे ले सकते हैं, आपको सिर्फ मैसेज करना है कि आप भी इस ऑयल को खरीदना चाहते हैं, बाकी डिटेल आपको बता दी जाएगी। ऑयल का प्राइस 799 है, 250 ml की बॉटल है, 80 rupees शिपिंग चार्ज है, टोटल 879 rupees का आपको पेमेंट करना है, COD नहीं है, आपको प्रीपेड ही करना है यानी पेमेंट पहले ही करना है, वो सारी डिटेल आपको बाकी व्हाट्सअप पर बता दी जाएगी। तो बस मैंने इसकी 5 से 6 ड्रॉप ली है और उसके बाद में क्या किया पूरे अपने बालों पर लेंथ पर इसे इस तरह से लगा लिया। तो आपको भी कोई भी ऑयल हो, चाहे ये नहीं है तो कोई भी दूसरा ऑयल ले लीजिए, और अगर ये है तो ये यही लेना है, फिर तो दूसरा लेना ही नहीं है। ठीक है, तो 4 से 5 ड्रॉप ली, हल्के हल्के पूरे बालों के ऊपर और लेंथ के ऊपर इसे लगा लिया है। इससे आपके बालों में क्या होगा ना कि मॉइस्चर जो है वो लॉक हो जाएगा। अब आपके बाल जैसे जैसे ड्राई होने लगेंगे तो आपके बालों से मॉइस्चर नहीं जाएगा, मतलब ड्राइनेस नहीं आने वाली है अब, और ये मत सोच
सोचिए कि आपने हल्के से चार बूंद लगा ली तो आपके बाल ऑयली हो जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं होंगी। आप बाहर भी जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, आपके बाल बिल्कुल भी ऑयली वाला फीलिंग्स नहीं आएगा। ठीक है, बस ये है कि बाल नेचुरली आपके बिल्कुल मॉइस्चर हो जाएंगे और बालों काफ़ी सिल्की सॉफ्ट रहेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी बालों को अब सुलझाना कैसे है। सुलझाने के लिए आपको अभी कंघा तो हाथ में ही नहीं लेना, सिर्फ हाथों से ही आपको इस तरह से बालों को छोटा छोटा सेक्शन लीजिए और इस तरह से दूर करते रहिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अपनी फिंगर से ही फिंगर अंदर डालना है बालों में और इस तरह से करना है, जिससे छोटे छोटे नॉट्स बने हुए होते हैं वो सब नॉट हट जाएंगे, है ना। तो ये सब आपको टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बस सिर धो के आए सीधा गीले बालों में कंघा डाला और ज़ोर ज़ोर से खींचना स्टार्ट हो गए, क्योंकि भाई बाल हमारे तो नहीं है, किसी और के हैं, टूटे तो टूटने दो, है ना। ऐसा नहीं करना है, हमारे बाल हैं और बाल हैं तो हमारी खूबसूरती है। तो उसे बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ही प्यार से आराम से अपने बालों की केयर करनी पड़ेगी। ओके, सो यहां पर देखिए छोटे छोटे नॉट होते हैं, उसे बहुत धीरे धीरे हाथों से आपको खोलना है। हाथों से खोलेंगे ना और फिर जब लास्ट में कंघा डालेंगे ना सिर में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा बाल कैसे सुलझ जाएंगे और आपके गिनती के बाल टूटेंगे। गिनती के यानी 2, 4, 5, 6, 10, 15, इससे ज्यादा बाल नहीं टूटेंगे अगर मेरी इस को फॉलो कर लिया। अब कमेंट में ये मत लिखना कि दी मेरे बाल झड़ते हैं, मेरे बाल झड़ते हैं। अगर इसको फॉलो कर लो और 100% मैं आपको बता रही हूँ रिजल्ट मिलेगा इसको फॉलो करने के बाद। किसी के 100 बाल टूट रहे हैं ना, अगर आपने मेरे इस टिप्स को फॉलो कर लिया ना, आप यकीन मानिए आपके 20-25 बाल टूटेंगे, है ना। इतने कम पर 100 से सीधा 20-25 पे आप आ जाओगे, इतना बेस्ट अमेजिंग रिजल्ट है। तो ये हमेशा आपको जब भी वीक में 3 बार हेयर वॉश करना है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना सबसे ज़्यादा हमारे बालों में सिर में स्कैल्प में होता है और उससे क्या होता है गंदगी होने लगती है और गंदगी से क्या होता है इचिंग होती है, इचिंग से डैंड्रफ बनता है, डैंड्रफ से बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो न तो आपको स्कैल्प को गंदा रखना है, न ही डैंड्रफ बनने देना है और न ही आपके बाल झड़ेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ी सा केयर करना है जैसे मैंने बताया, बिल्कुल वैसे ही। अभी आप देखिए बाल मेरे अच्छे खासे सुलझ भी गए, अभी तक मैं कंघा नहीं सिर में डाला क्योंकि बाल अभी थोड़े गीले हैं। जब बाल पूरे ड्राई हो जाएंगे उसके बाद में मैं कॉम करूंगी, ओके, और उसके बाद में ऑयलिंग भी करूंगी। तो ये मैंने आपको छोटे छोटे टिप्स दिए हैं, फॉलो करिए इसको, रिजल्ट अमेजिंग है। और अभी देखिए मानसून चल रहा है तो जैसे वेदर चेंज होता है ना तो बाल झड़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करिए उस चीज़ के लिए कि हमारे अभी तक तो सही थे बाल, जैसे ही मानसून आया तो बाल क्यों झड़ने लगे। वेदर से है ना, अब ये वेदर चेंज होगा तो वापस से बाल झड़ना थोड़ा सा सही हो जाएगा। और जो केयर कर रहे हैं उसको नहीं छोड़नी है, उसको करते रहिए, उसको करते रहिए, ठीक है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आई होप जो जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है आप लोगों ने अंडरस्टूड किया होगा, समझा होगा और आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे, है ना। और थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल रहा है तो एक लाइक बटन ज़रूर क्लिक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, ठीक है, जिसमें मैंने ऑयल के बारे में बताया। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हेल्दी डाइट लेते रहिए, बाय। हाँ, एक बात तो बताना भूल गई, चिश ब्यूटी व्लॉग चैनल पर अभी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर कर रही हूँ। मैंने वेट लॉस स्टार्ट कर दिया, उसमें बहुत हेल्दी डाइट ले रही हूँ जो कि हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा। तो आपको देखना है कि मैं पूरे दिन में क्या क्या खाती हूँ अपने बालों की, अपने पूरी बॉडी के लिए, तो ज़रूर चिश ब्यूटी व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आ जाइए। लिंक चिश ब्यूटी व्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, बाय बाय।